बुआ जी, प्लान ए फेल हुआ है ना, तो प्लान बी रेडी है ना। वैसे भी आज रात को मैं विराट और माया को आमने सामने लाने वाली हूँ। बस किसी तरह विराट 2 मिनट के लिए माया की बातें सुन ले। लेकिन मानवी, सबसे मुश्किल काम तो यही है ना। बुआ जी, फिकर नॉट, आपने मानवी को ये काम सौंपा है, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। बुआ जी, विराट आ गया, मैं उसे पटाके आती हूँ। यार, मुझे तो लगता था इस पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी ड्रामेबाज मैं हूँ, लेकिन तुम तो मेरे से भी एक कदम आगे निकले यार। सॉन्ग का इंटरवल सीधा क्लाइमैक्स में पहुंच गई तुम। मैंने ऐसा कब बोला मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी? हाँ, तो टाइम पास है यार ये। लेकिन तुम्हें अपने इस गर्म दिमाग को थोड़ी ठंडक देनी पड़ेगी, और अगले 3 दिन तक जो मैं कहूंगी वही करना होगा। बाकी विराट और तुम्हारा टाका फिट करने की जिम्मेदारी मेरी। हेलो पार्टनर, अगर तुम ऑफिस में बोर हो रहे हो ना तो मेरे साथ कॉफी पीने आ सकते हो सन्नास कैफे में। आधे घंटे में पहुंच जाओ, मैं वहीं मिलूंगी। ठीक है, मैं तो ओके बाय। तुम ये विराट, तुम सिर्फ प्लान ऑफ एक्शन सुनो। तो कैसा लगा आइडिया? तो पहुंच गए पार्टनर, तुम ना बस 10 मिनट वेट करो, मैं 11 मिनट में पहुंच जाऊंगी। ठीक है, चाहे तो तुम अपनी कार में वेट। मानी, तुझे कैसे पता हूं कार में कैफे में है? हां, तुम इतना खुशफुसा कर रही हो। नहीं 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 नहीं, वो मेरा गला खराब है। मैं बस, तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं बस पहुंच रही हूं। जहां पे भी हो ना वहीं वेट करना, मैं पहुंच रही हूं। मानी, मेरा कॉफी पीने का मूड नहीं है। फिर कभी प्लान कर लेंगे। मैं घर जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, घर कैसे जा सकते हो? नहीं नहीं नहीं, हेलो हेलो विराट, विराट सुनो, मेरी बात सुनो, मत जाओ। हेलो, नहीं
मिस हो जाएगा। वो तो गाड़ी से नीचे भी नहीं उतरा, मतलब उसने मुझे देखा भी नहीं। अरे यार, उसने तुम्हें भी देखा, तुम्हारी पूरी एक्टिंग को भी देखा है। But you said वो इम्प्रेस हो जाएगा। Now what? अरे माया, तुम समझा करो, हर लड़के को ना यही पसंद है, बाहर से ना वो कितनी भी मॉडर्न बाजी दिखा दे हाँ, लेकिन अंदर से वो सब यही चाहते हैं। हम पहले ओवर में थोड़ा मैच जीत जाएंगे, थोड़ा खेलना पड़ेगा, टाइम लगेगा, हिम्मत रखो। एक प्लान फ्लॉप हो गया, थोड़ी ना सारे प्लान फ्लॉप हो जाएंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ गॉड, माया अभी मुझे भागना होगा, विराट गया, मैं उसके पीछे पीछे जाके उसके दिमाग की सफाई करती हूँ। और हाँ, तुम मुझे अपना नंबर ना SMS कर दो, मुझे जब भी तुम्हें कॉल करना होगा ना, मैं तुम्हें मिस कॉल मार दूंगी, तुम कॉल बैक करना। यार वो क्या है ना, इस महीने में ऑलरेडी 3 बार रिचार्ज करा चुकी हूँ, अब मेरा कोटा फुल हो चुका है, दोबारा मैंने रिचार्ज करा लिया ना, मेरी बीजी मेरी खाट खड़ी कर देगी। लेकिन तुम टेंशन मत लो, इनकमिंग मेरे फोन में फ्री है, तुम कॉल करती रहना। बाय माया, हम फिर मिलेंगे, ठीक है, पक्का ध्यान रखना अपना। जी, प्लान ए फेल हुआ है ना, तो प्लान बी रेडी है ना। वैसे भी आज रात को मैं विराट और माया को आमने सामने लाने वाली हूँ, बस किसी तरह विराट 2 मिनट के लिए माया की बातें सुन ले। लेकिन मानवी, सबसे मुश्किल काम तो यही है ना। वाजी, फिकर नॉट, आपने मानवी को ये काम सौंपा है, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। वाजी विराट आ गया, मैं उसे पटाके आती हूँ। वीरू अंकल, बोलिए आंटी जी। पता है, मेरा ना आज बाहर की ठंडी ठंडी हवा खाने का बहुत मन कर रहा है, चलो ना प्लीज। अच्छा, तो एक काम करो, बाहर जाओ और मुंह खोल के जितनी ठंडी ठंडी हवा खानी है ना, खाओ, फ्री में, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। ओके, पार्टनर सुनो ना, मैं ये काम अकेले नहीं करना चाहती, तुमने हर काम में आज तक मेरा साथ दिया ना, प्लीज पार्टनर, चलो ना। यार मेरा ना मूड वूड नहीं है, मैं प्रेस करने जा रहा हूँ। तुम इतने क्यों खा रहे हो? सुनो ना, मैं अकेली नहीं जा सकती, समझा करो ना प्लीज। यार तुम्हें एक अंकल क्या बोल दिया, तुम तो दिल पे ही ले गए। मेरी बात सुनो, देखो मैं खा के कितनी मोटी हो रही हूँ, डाइट वाइट भी नहीं कर पा रही हूँ, मुझे वॉक वॉक पे जाना बहुत जरूरी है मेरे से। अरे मेरी शादी नहीं होगी यार, तुम्हें पता लड़कों को आजकल प्लीज प्लीज। तुम्हारी बातें सुनने से अच्छा है मैं बाहर की हवा खा लेता हूँ। आओ कम, चलो प्लीज कम, चलो कम।